अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए एक दूसरे के साथ मिलकर बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार सी बनाना ब्रेड। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बोल, और उस बोल के अंदर हम ऐड करेंगे अबाउट हाफ अ कप या फिर 8 टेबल स्पून ऑफ सॉफ्ट अनसॉल्टेड बटर। अब इसके अंदर ऐड करेंगे अबाउट 3/4 कप्स ऑफ ग्रैनुलेटेड शुगर। आप बटर एंड शुगर को हैंड ब्लेंडर की मदद से मिक्स करेंगे अंटिल दे बिकम सॉफ्ट एंड क्रीमी। सो आप देख सकते हैं कि माई बटर एंड शुगर मिक्सचर इज क्रीमी। तो आप इनको साइड में रखेंगे और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट मैंने लिए हैं 3 वेरी राइप बनानास, और इनको मैं एक फोर्क की मदद से मैश करूंगी अंटिल दे बिकम लाइक बेबी फूड कंसिस्टेंसी। सो यू कैन सी कि मेरे बनानास जो हैं वो मैश हो चुके हैं एंड दे लुक एग्जैक्टली लाइक बेबी फूड। तो इसको भी साइड में रखेंगे एंड अपने बनाना के मिक्सचर को बटर एंड शुगर मिक्सचर के अंदर ऐड करें। नाउ उसमें ऐड करेंगे 2 एग्स एंड इन सब को हैंड ब्लेंडर की मदद से मिक्स करेंगे अंटिल एवरीथिंग इज वेल कंबाइंड। डोंट फॉरगेट टू स्क्रेप द एजेस इन बिटवीन ताकि कोई भी अनमिक्स कॉन्टेंट उसमें ना रहे। And mix it well. Next, I'm taking 1.5 cups of flour, और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ about 1 teaspoon of baking soda and half a teaspoon of salt, और इन सब को अच्छे तरीके से मिक्स करें। आप फ्लावर मिक्सचर को बनाना एंड बटर शुगर मिक्सचर के अंदर ऐड करें और इन सब को हैंड ब्लेंडर की मदद से मिक्स करें अंटिल एवरीथिंग इज वेल कंबाइंड एंड देयर इज नो फ्लावर लेफ्ट। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू स्क्रेप द एजेस इन बिटवीन, लाइक आई सेड कोई भी फ्लावर जो है वो नहीं होना चाहिए। नाउ आई एम एडिंग हाफ अ टीस्पून ऑफ वनीला एक्सट्रैक्ट इन माय मिक्सचर एंड मिक्स इट वेल। सो वंस योर बैटर इज रेडी, उसके अंदर हम ऐड करेंगे अबाउट 1 कप of chopped walnuts and walnuts को एक spatula की मदद से fold in करेंगे very gently and now I'm taking a cake pan, उसको मैंने butter से grease करके उसके ऊपर parchment paper लगा लिया है and अपने केक बैटर को केक पैन के अंदर आराम से transfer करें। अब एक spatula की मदद से उसको spread करें evenly and I'm adding some extra chopped walnuts on top which is totally optional। tap करें उसको ताकि excess air bubbles release हो सकें। इसको bake करेंगे at 350 degree Fahrenheit or 176 Celsius for 55 to 60 minutes and you can see our banana bread is ready to serve and it was very delicious, very soft and of course let's take a picture for our Instagram। So let's do a break test and see ke how it is। So you can see ke it's very soft and moist and the taste iska bahut mazedar tha and I will highly recommend this video and this recipe। I hope aap logo ko ye recipe bahut achhi lagi hogi। Thank you so much for watching my videos and abhi tak agar aap logo ne mere channel ko subscribe nahi kiya hai please hit the subscribe button। Next video tak ke liye sabko Allah Hafiz।